जिले संगारेड्डी के कोहिर मंडल के सरगरम यंग डायनेमिक लीडर कोहिर वाइस एमपीपी शाकिर अली ने लॉकडाउन कर्फ्यू के चलते कई लोग काफ़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इसी बिना पर आवाम को पेश आ रही दुश्वारियां, जैसे आम के व्यापारियों के लिए मार्केटिंग की सहूलत, करंट बिल और नल बिल, हाउस टैक्स 1500 के बजाय 5000 रुपये, डागरा ग्रुप्स व दीगर ग्रुप के लोन्स अप्रैल के माह का लोन हुकूमत अदा करें, ऐसे मुद्दों पर आज अहम बातें की। ऐसे कई मसाइल लेकर सीएम केसीआर से मुतालिबा किया और कहा कि ये मसाइल हल करें। मीडिया से बात करते हुए शाकिर अली ने कहा कि खासकर आम मैंगो के व्यापारियों का अहम मुद्दा है जो इस सीज़न में चलता है, उन्हें मार्केटिंग की सहूलत दस्तयाब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, एएचएन न्यूज़। करता हूं तमाम कोहिर के मार्केट डोमेन पब्लिक, जितनी पब्लिक डोमेन की जो चीज़ें हैं वो हुकूमत का बिल्कुल पालन करें, जैसे कि आपको जो टाइम दिया गया उसी टाइम पे करें। और मैं आवाम से कहूंगा कि जो आप जो रोड पे चल रहे हैं वो आप अगर जाएंगे पुलिस चालन कर सकती है, उसको इख्तदार है, क्योंकि यहाँ हमें महफूज रहना है, तो हमारे लिए पुलिस तैनात है। अगर आप जाएंगे गाड़ियां, आपकी कार हो, बाइक हो, जो भी हो, वो शीश कर ली जाएंगी। आपको आपसे यही इल्तिजा है कि आपको सेफ रहना है, आपके परिवार को सेफ रहना। आप अगर इससे पीड़ित होंगे तो समझो कि आपसे 20 लोग पीड़ित होंगे, आपका परिवार आपसे जुड़ा हुआ है, इस बात का जरूरी ख्याल रखें। आपका एक का जाना नहीं, वहां के 20 लोगों का जान की जोखिम में होती है। तो मैं लिहाजा कोशिश करूंगा, जैसा कि हम आज डोनेशन पब्लिक कोविड-19 के डोनेशन के लिए हमने बाजार में निकलकर चावल का डोनेशन कलेक्ट किया है, तकरीबन 20 क्विंटल से जायद डोनेशन मिला है आज मार्केट में। वो डोनेशन साहिब इख्तदार के पास से, साहिब इस्तेताद के पास से वो डोनेशन को हासिल किया जा रहा है और गरीबों में बांटा जा रहा है। तो उसको हम बांटने के लिए 2 से 3 दिन में RDO साहब और कलेक्टर साहब और MRO साहब की मदद से हम घर घर पहुंचकर वो हुकूमत की जानिब से हम पहुंचाएंगे। अब लिहाजा इसके अलावा हमारे यहाँ की जो हुकूमत से जो हम गुजारिश करेंगे, अपील करेंगे, जैसे कि डागरा ग्रुप एक अहम हिस्सा है हमारे माशरे का, उस माशरे में गरीब गुरबा का कहीं ना कहीं ज्यादा तबका इस डागरा ग्रुप जैसे कई ऐसे ग्रुप हैं जिससे जुड़ा हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ये स्कीम होती है। तो मैं हुकूमत से इल्तिजा करूंगा अप्रैल के महीने का डागरा ग्रुप का जो लोन की अदायगी होती है उसको माफ किया जाए, माफ यानी आप हुकूमत की तरफ से उसकी अदायगी की जाए, जैसे नल का बिल हो, हाउस टैक्स हो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, ये सारी चीजें अप्रैल के महीने की, कम अज कम अप्रैल के महीने की अदायगी गवर्नमेंट की जानिब से की जाए। और जो लिहाजा हमारी पड़ोसी रियासतों में जैसा अवाम में शऊर बेदारी के लिए, मदद के लिए जैसा हुकूमतें आ रहे हैं सामने, जैसे दिल्ली में 5000 रुपए ओल्ड एज वालों को, पीड़ित लोगों को जो गरीब गुरबा है उनको घरों तक 5000 रुपए पहुंचाया जा रहा है, मैं यहाँ की तेलंगाना गवर्नमेंट से गुजारिश करूंगा कि आप जो 1500 जो दिए हैं वो अभी तक कहीं ना कहीं वो काम में कोताही हुई है, पहुंच नहीं पाए हैं उतने, शायद अगर पहुंच भी जाए तो 1500 बस नहीं होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ फैमिलियां बड़े होते हैं, वो 1500 4 से 5 दिन का खर्चा होता है। तो मैं लिहाजा हुकूमत से ये गुजारिश, दर्द मंदाना गुजारिश करता हूँ कि वो 5000 रुपए कम से कम वो फैमिली को आप दें। अब लिहाजा बड़ा मसला यहाँ पे ये आता है कि एक बड़ी फसल इस महीने, ये समर के सीजन में एक बड़ी फसल तैयार होती है, वो है आम की फसल। आम की फसल तेलंगाना में, हिंदुस्तान में सबसे पहले तैयार होती है। उस फसल को सबसे ज्यादा व्यापारी, एक्सपोर्टर, सप्लायर कोहिर के होते हैं। तो कोहिर के तमाम व्यापारी, एक्सपोर्टर्स, रैतुओं की तरफ से मैं ये गुजारिश करता हूँ हमारे कैबिनेट मिनिस्टर से, हमारे तेलंगाना के जहीराबाद ताल्लुके MLA के मानिक राव साहब, MP बीबी पाटिल साहब, MLC फरीदुद्दीन साहब, इंचार्ज मिनिस्टर हरीश राव साहब से गुजारिश करता हूँ कि कल कैबिनेट मीटिंग में आप इस बात को उठाएं, आप इस बात को ये उठाएं कि एक बाग से दूसरे बाग को जाने के लिए परमिशन नहीं मिल रहा, तो ऐसी सूरत हाल में कहीं ना कहीं बागात में आम की फसल बर्बाद होगी। वो फसल बर्बाद होगी तो समझो कि कई जिंदगियों पे इसका असर पड़ेगा। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि बागात से निकालकर आम को वो मार्केट तक पहुंचाया जाए, हमारी बाजू की रियासतों तक वो पहुंचाने का इंतजाम करें।
चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, किसी भी तहत आप जो है एक पास जारी करें, क्योंकि एक गार्डन होता है कोहिर में आधी कटिंग होगी तो दूसरा गार्डन होता है जहीराबाद में, पूरी गार्डन में एक गार्डन में कटिंग नहीं होती मैंगो की, तो कई जगह जाके उसको लोड करना पड़ता है। तो लिहाजा मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आम के व्यापारियों को राहत दे, कल कैबिनेट मीटिंग में अहम फैसला दे कि मैंगो जो एक मेवा है, जो मशहूर मारूफ मेवा है, और उसके व्यापारियां सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में कोहिर में पाए जाते हैं। कहीं ना कहीं 5 से 6 हजार ऐसे व्यापारी है जो एक्सपोर्ट लाइन में होते हैं, कोहिर के सप्लायर्स, जो बंडी हो, मार्केट्स हो, एक्सपोर्टर्स हो, यहीं के लोग जाकर वो करते हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा मेरे तमाम तेलंगाना के मिनिस्टर से, कैबिनेट मिनिस्टरों से, मैं ये गुजारिश करूंगा एमएलए एमएलसी से कि आप इस मुद्दे पर उठाएं, और मैं जिन पॉइंट्स को मैं बताया हूं हुकूमत को, चाहे वो डागरा ग्रुप हो, चाहे वो लोगों तक पहुंचाया जाए, फूड प्रोवाइड जाए। एक बात अहम, ये हमारे एचएन न्यूज को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहे वक्त पर।